छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव इसी साल होने को है, इसमें नियमों के बदलाव हो सकते हैं। इशारों में ये बात प्रदेश के डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री अरुण साव ने कही। मंगलवार को मीडिया ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सवाल पूछा कि क्या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को बदला जाएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव से मतलब है कि जनता महापौर नहीं पार्षद चुनते हैं। प्रत्यक्ष में जनता पार्षद और महापौर दोनों का चुनाव करती है। इसका जवाब देते हुए अरुण साव ने कहा कि बहुत ही जल्द लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद नगरीय निकाय चुनाव कैसे हो इस पर निर्णय करेंगे। सभी एंगल पर विचार किया जाएगा और निर्णय लेंगे। हमारी सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर विचार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने राज्य में महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों से छीनकर जनता के हाथ में दे दिया था। तब तरुण चटर्जी पहले महापौर थे जो जनता के बीच से चुनकर आए थे।